अपने कमाई फोन लेने में मजा आता है, पर आपके लिए एक गिफ्ट है, दरवाजा खोलो अपना कवर्ड। पहले बताओ क्या होगा गिफ्ट में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? अरे भाई, कुत्तों लोग ने तो परेशान कर दिया भौंक भौंक के। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी मस्त हूँ, बढ़िया हूँ। और यहाँ देखो आज का मौसम, देहरादून में ऐसा लग रहा बारिश होने वाली है। कार्तिक बोल भी रहा था, कार्तिक के घर के साइड बारिश हो रही थी एक दो दिन से, मतलब थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पे अभी हो नहीं रहा, पर होने जैसा हो रहा है। देखो अभी भी धूप ढंग से निकली नहीं है। ये देखो यहाँ राजू है, यहाँ राजू की मॉम है। देखो राजू की मम्मी आ रही है। कम शिवो, शिवो कम, आजा मेरा बच्चा, मेरा प्याला बच्चा, आजा। देखा, ये मेरी बात सुनती है। वो देखो उसको, देखो चोर को, देखो चोर को। ये देखो मेरी प्यारी बच्ची हमेशा मेरे पास आती है। तो अभी अपने भेड़ बकरी लोग को अपनी मम्मी चरा रही थी। कहाँ जा रहे हो? कपड़ा उठाने। अरे ज्यादा दूर मत जाओ, इनको देखेगा कौन। कपड़ा उठाने जा रही हूँ। नहीं रुको ना मम्मी, आज साथ में इनको देखेंगे। गाइज मम्मी तो मुझे छोड़ के चली गई इनके भरोसे। और ये चोर लोग को देखो, शुगर भी भाग गया मम्मी के साथ। शुगर तुम इनको देखो चुपचाप से यहाँ आके। ये देखो ये बदमाश लोग को यहाँ, और देख इन लोग को चराओ जाके। चलो मिले सपितू। मम्मी ये लोग आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। गाइस सीबो तो चली गई है, ये मेरे हाथ में ही नहीं आ रहा, ये भाग रहा मुझे। अभी देखो यहाँ, ये देख तो जितना मैं पास जा रही इतना भाग रहा। ए यहाँ बहुत परेशान करता है गाइस ये। यहाँ अंडा पालने बसे सस, यहाँ यहाँ मेरा हाथ छूट रहा है। यहाँ फाइनली मैंने इसे पकड़ लिया है, इस चोर को पकड़ लिया है। ये मेरे हाथ में आ गया, अब इनको मैं जेल में डाल दूंगी। एक तो ऑलरेडी जेल में है, चलो जेल में बैठ जाओ। गुड, ऐसे ही जेल में रहो तुम लोग, बहुत परेशान करते हो। देखो छिपकली आ गया, छिपकली। तो गाइस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बता देती हूँ, जो कि है न्यूड का ये आफ्टर हेयर रिमूवल लोशन। तो अभी मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। क्या गाइज आपकी स्किन भी इरिटेट हो जाती है शेव करने से, थ्रेडिंग करने से, वैक्सिंग करने से? तो ये है न्यूड का आफ्टर हेयर रिमूवल लोशन, जो कि आपके स्किन को अच्छे से नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है, स्किन में होने वाली कोई भी रेडनेस या इचीनेस को काम करता है, इंस्टेंट रिलीफ देता है, क्योंकि इसमें है जुजोबा ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, लेवेंडर ऑयल और विटामिन ई, जो आपके स्किन को नरिश करता है और आपके स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस रखता है। और ये प्रोडक्ट यूनिसेक्स है, तो बोथ मेल और फीमेल दोनों ही यूज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसे यूज कैसे करना है। तो जिस जगह पे आपका रेडनेस हो रहा है या आपने सेविंग किया हो, वहाँ पे आपको इसकी अच्छे से क्वांटिटी लेनी है और अच्छे से इसको स्प्रेड करते हुए लगाना है, अच्छे से मसाज करना है। तो आफ्टर रिजल्ट देख सकते हो आप, कितना ही स्मूथ लग रहा है मेरा स्किन और जो भी ड्राइनेस है वो चला गया है। तो गाइज अगर आपको ये बाय करना है तो आप न्यूड की ऑफिशियल वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अवेलेबल ऑन मीसो, एमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड ऑल्सो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो फटाफट जाइए, मिस मत करिए। तो गाइस फटाफट चलते हैं और मम्मी से पूछते हैं मम्मी को कोई डिफरेंस लग रहा है कि नहीं स्किन पे। मम्मी मम्मी, अच्छा एक बात बताओ, मेरे स्किन देखो आपको कुछ लग रहा है डिफरेंस? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लगाया तूने? तो वैसे मैं आपके लिए ये प्रोडक्ट ला रही थी, तो ये प्रोडक्ट है न्यूड का लोशन है, आफ्टर हेयर रिमूवल लोशन है। इसको आप ना आफ्टर सेविंग, आफ्टर वैक्सिंग वगैरह यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा, स्किन अगर ड्राई हो रही होती है तो वो भी ठीक हो जाती है। और ये लड़का लड़की दोनों यूज कर सकते हैं, तो आप पापा को भी रिकमेंड कर सकते हो। अभी जस्ट कमरे में आए हम और मेरी मम्मी का लावारिस फोन देखो। मम्मी कैसे चलता है रही है? कभी चलता है कभी नहीं चलता, इसका मर्जी है, बिगड़ा हुआ फोन है यार ये। पर ये फोन मम्मी हम लोग नहीं, आप ही चला सकते हो ना। सिर्फ गाइस मम्मी से ये चलता है, हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये नहीं चल पाता, बहुत ही भयंकर फोन है। अब एलिसा दिला देगी मुझे नया। क्यों दिलाएगी एलिसा, ऐसी दिखाएगी क्या? रैन दो, रैन दो। ओहो
16 प्रो आईफोन। अरे रहने दो, अब अगली बार अगले साल दिलाऊंगी, इस साल तो नहीं, इस साल तो मुझे ट्रिप भी जाना है इसलिए मेरे पास पैसे नहीं है, अगले साल पक्का दिलाऊंगी। ठीक है, तो इस साल आपको इसी से मैनेज करना पड़ेगा। ओके और गाइज मैं आपको बता दूं, आज तक मम्मी के लिए हमने कभी फोन नहीं लिया। मम्मी को फोन वही मिलता है जो हम चलाते हैं, और फिर वो मतलब हमारे चलाने के बाद हम जब दूसरा लेते हैं तब वो फोन फिर मम्मी को जाता है। ऐसे ही पापा का भी है, पापा का फोन मम्मी को ही जाता है, मतलब जितना भी फेंका हुआ फोन होता है वो मम्मी को जाता है ना मम्मी। खुश हूँ मैं, पर मम्मी चला लेती है आराम से खुशी खुशी। मुझे नया फोन नहीं चाहिए, बस मुझे यूट्यूब देखना। अरे फोन की क्या जरूरत है, मैंने आपके लिए इतना बड़ा टीवी लिया है, आप टीवी देखो, टीवी में भी तो यूट्यूब चलता है। तो बस अभी देखते हैं क्या करना है, क्योंकि मौसम थोड़ा सा खराब होते जा रहा है, तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर बाद। तो गाइज मैं रेडी हो गई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ बहुत बड़ा काम करने के लिए, क्योंकि अभी मम्मी नहीं है इसलिए मैं ब्लॉग कर रही हूँ। तो गाइज आपने देखा ही होगा मेरी मम्मी का फ़ोन कैसा हो रखा है, और वो बोलती भी नहीं है फ़ोन के लिए कि मुझे खरीदो वगैरह, बट फिर भी मैंने सोचा इस बार ना उनको अच्छा सा फ़ोन लेके दूंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ फ़ोन लेने के लिए। वाह, मतलब मैंने पहले सोचा था कि लू कि ना लू ऐसा हो रहा था, पर मैंने सोचा ले ही लेते क्योंकि उनका फ़ोन का सच में हालत इतनी ख़राब हो गई है। सो अभी चलते हैं फ़ोन लेते हैं उनके लिए, और मतलब ऐसा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है, ऐसा अचीवमेंट वाला फील आ रहा है। तो अभी अचीवमेंट हुआ नहीं है, पहले जाएंगे लेंगे फिर उसके बाद देखते क्या होता है। सो रिएक्शन भी लेंगे, और अभी तक उनको कुछ भी नहीं पता फ़ोन के बारे में, सिर्फ पापा को और मुझे एंड ऑब्वियसली कार्तिक को पता है। तो चलते हैं, तो अभी मैं जा रही हूँ अपने धन्नों के साथ, तो चलते हैं। और कार्तिक होता तो कार्तिक के साथ जाती, बट कार्तिक अभी यहाँ है नहीं तो मुझे अकेले जाना पड़ रहा है, तो चलते हैं। अमृत को सोचा था मैं लेके जाऊं, पर वो अभी जस्ट कॉलेज से आया, वो थक गया है। और गाइज मुझे फोन का इतना नॉलेज तो है नहीं, तो मैंने कार्तिक से बात करी थी तो कार्तिक ने बता दिया था अपने दोस्त को, उसके दोस्त का शॉप है, तो अभी मैं वहीं जा रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। गाइज फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ राज प्लाजा पे, और अभी देखते हैं कि फ़ोन का क्या सीन है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कैसा फ़ोन लूँ क्या लूँ। मम्मी को ना सिर्फ यूट्यूब चलना और इंस्टाग्राम चलना ऐसा फ़ोन चाहिए, तो ज़्यादा फ़ोन का ऐसा यूज़ नहीं है, तो मैं सिंपल सोवर और कम बजट वाला फ़ोन लेने की सोच रही हूँ। लेट्स गो। तो गाइस यहाँ पे ना बहुत सारे डमी है, तो मैं सोच रही हूँ कौन सा लूँ, तो अभी वो बिजी है, अभी दिखाएंगे फ़ोन। तो गाइस बहुत सारी डमी आ चुकी है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सा लूँ, ओप्पो रेडमी और वीवो, तो वेरी कंफ्यूजिंग, अभी मैं सोच रही हूँ। तो ये वीवो का है जिसका फ्रंट कैमरा भी बहुत ही अच्छा है और बैक भी बहुत ही अच्छा है, क्लियरिटी बहुत अच्छी है इसका। हाँ तो गाइज ये फ़ोन भी अच्छा है, मतलब इसका यूज़ करने के लिए सही है मम्मी के लिए, तो अभी देखते हैं और कोई ऑप्शन। तो गाइज मैंने फ़ोन तो चूज़ कर लिया है वीवो का, बट बहुत कंफ्यूजन हो रहा है इस दो में मुझे, ये इसमें एडेप्टर वगैरह सब कुछ है इसमें नहीं है, और थोड़ा सा है कि ये थोड़ा इससे अच्छा है, फिर भी बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। और मम्मी को एज मच कुछ यूज़ करने के लिए चाहिए नहीं, बस यूट्यूब और इंस्टाग्राम, मतलब मेरा ब्लॉग देखने के लिए चाहिए बस। फाइनली मैंने कर लिया है चूज़, जो कि है ये वाला फ़ोन। बाकी मैं यहीं से सब कुछ करा के जा रही हूँ, अनबॉक्सिंग यहीं पर ही होगा, क्योंकि अब उस पर टेम्पर्ड वगैरह लगेगा वो हम लगा नहीं पाएंगे, तो घर में जाके मम्मी बस ऐसे डिब्बा खोलेगी। तो मैम ने मुझे बोला कि आप कर सकते हो, तो मैं ही कर रही हूँ अनबॉक्सिंग ये फ़ोन का। अब माँ करे बेटी करे एक ही बात है। तो कलर मैंने थोड़ा डार्क ही लिया है, क्योंकि मेरी मम्मी को लाइट कलर पसंद नहीं है, उनको वैसे ब्लैक पसंद है, बट मैंने उनके लिए बहुत ही अच्छा कलर लिया है। अपनी कमाई से फ़ोन लेने में मज़ा आता है, पर पता चला अरे खुला भी नहीं जा रहा, पहली बार ऐसे नहीं। ये कलर लिया मैंने मम्मी के लिए, पता नहीं खुश होगी कि क्या होगा, वो तो आपको आगे पता चलेगा। तो ये फोन खुल रहा है
थैंक यू, मोस्ट वेलकम। आप प्लीज हमारे शॉप को रेट करते रहो। ओके थैंक यू, मोस्ट वेलकम। तो अरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अरे अच्छा कर रखा है। थैंक यू। ओ भयंकर ही मेरी। आप देखते हो? हां मैं कभी-कभी देखती हूं जब टाइम लगता है। ओके थैंक यू। फाइनली गाइस फोन ले लिया है, अब फटाफट जाते हैं और मम्मी को देते हैं सरप्राइज। आई एम सो एक्साइटेड, मतलब आई एम फीलिंग वेरी प्राउड फॉर माई सेल्फ। मैंने पहली बार फोन लिया है और वो भी मम्मी के लिए, वो भी अपने पैसों से। तो गाइस अभी मैं ना मटन लेने आई हूँ। मैंने सोचा कि चलो सरप्राइज दे रहे हैं तो थोड़ा सेलिब्रेशन तो बनता ही है खुद के लिए, मटन। तो गाइज मैं फटाफट घर आ गई थी और अभी मैंने ना मम्मी का गिफ्ट उनके कवर्ड में यहाँ छुपा दिया है और वो आ गई है। अब देखते हैं रिएक्शन। तो गाइज हमारी प्यारी सी क्यूट सी भैंपी मम्मी आ गई है। मम्मी नाच के दिखा दो। सुनो ना, आपके लिए गिफ्ट है। दरवाजा खोलो अपना कवर्ड। पहले पहले बताओ क्या होगा गिफ्ट में। चलो खोलो। हाँ अमृत आजा, मम्मी का गिफ्ट अनबॉक्सिंग कर रही है मम्मी। पक्का की खोजता हूँ। क्या है मम्मी ये? क्या है? फोन है यार ये। है मम्मी? नहीं सही है, फोन है। मम्मी बोल रही है फोन नहीं है, खोजता है। खोल के देखो क्या है। चलो बैठ के खोलो। यहाँ 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 बैठो, यहाँ यहाँ बैठो। आज अबे Vivo Y20s ये तो पापा लाइक फोन है। पापा का अलग है, यही तो है पापा का। नहीं नहीं पापा का दूसरा है ये। थैंक यू। मेरा फोन खराब था यार। हाँ इसको ऐसे निकालो, ऐसे पकड़ो ऐसे। भैंपी को नया फोन। अरे निकाल दे मम्मी का, निकल नहीं रहा। हाँ ये कलर बताओ, कलर बहुत अच्छा है यार ये कलर है। अब मम्मी मैंने आपके लिए इतना बड़ा स्क्रीन इसलिए लिया है, स्क्रीन क्योंकि ताकि आप अच्छे से ब्लॉग देख पाओ इसका। मेरा। और मम्मी खुश? टेम्पर वगैरह लगवा के सब लगा दिया है। इसमें आपको मिल जाएगा एक कवर, ये आपका कवर है और यहाँ पे चार्जिंग है और ये केबल है। और आज से मम्मी भी ब्लॉगिंग करने वाली है। स्टार्ट कर दो मम्मी ब्लॉग करना। सपने में भी सोचा नहीं था यार। हैं कसम से चार्ज हो रहा, बैटरी मैंने बोला वही मिलेगा जिसका खत्म, जिसका खराब होगा वही लेंगे। हाँ पर मम्मी का ये लाइफ का पहला फोन है। चलो कितने का है? महंगा होगा। कितने उतने का नहीं है, अब जितनी औकात थी उतने का लिया है। तो गाइज मम्मी बहुत खुश हो गई है और महंगा हो या सस्ता हो कुछ भी हो, बट फोन तो फोन है, बस आपका दिल खुश हो जाना चाहिए और क्या चाहिए। हाँ जी ये लेता है भाई। मम्मी का फोन, मम्मी का फोन होगा, मम्मी का फोन नहीं छुएगा तू। मैं दूसरा लूंगा। अब तो आप नहीं चिल्लाओगे ना, अब फोन तो उठाओगे ना, क्योंकि जब भी फोन करते हैं मम्मी का फोन स्विच ऑफ आता था। क्या आता था? डिस हो जाता था। क्या हो जाता था? मेरा फोन का डिस हो गया। क्योंकि उसमें बैटरी बैकअप इतना नहीं था। आप बढ़िया से फोन चलाओ, खोलो। अबे खोल के तो दे मम्मी को। चलो मम्मी के हाथ से शुभ काम कर दो। ये मम्मी फोटो इतना अच्छा आता है मम्मी इसमें। तो गाइस अभी पापा को फोन करते हैं और पापा क्या बोलते हैं, पापा का रिएक्शन देखेंगे। डैडी मम्मी को फोन। खुश किंदी आ रहे ले मले। सरप्राइज दे दिया हमने मम्मी को। अब मम्मी नए फोन से बात करेगी, तो मम्मी का फटाफट सेटअप करके हम मम्मी के नए फोन से बात कराएंगे पापा को। तो गाइस पापा ने ना मम्मी को बहुत हिंट दिया था, जैसे कि फोन में भी बोला था कि अपना फोन फेंक दे, ये कर दे, पर आप समझ क्यों नहीं पा रहे थे। मैंने सोचा यार वो दारू पी के मजाक कर रहे हैं। सोच रहे थे बोला दारू पिया होगा, वो मजाक किया है मुझे। तो मैंने बोला क्यों फेंकूं मैं अपना फोन, तो बोला फोन वोन फेंक दे। तो आपको कैसा लग रहा है अब? बहुत अच्छा लग रहा है नया फोन चला के। अभी चलाए नहीं, चला के देखूं। वैसा तो अच्छा ही है ये, क्योंकि इसमें ना ब्लॉग इंस्टाग्राम अच्छा, उसमें तो सब देखते देखते बंद हो जाता था।
अब आराम से देखोगे। अब आप अपने बहुत महंगा हो। महंगा तो नहीं, मतलब ठीक है, ज्यादा महंगा भी नहीं। चलाने से मतलब है, अब इसको आप संभाल के रखोगे तो सही चलेगा। मम्मी रील बनाना, मम्मी को रील बनाने का बड़ा शौक है ना, रील भी बना सकते हो। तो गाइज मेरा मटन देखो कितना डिलीशियस लग रहा है। तो अभी मैं खाना खाती हूँ और मिलती हूँ आपको खाना खाने के बाद। तो गाइज अभी जस्ट खाना खा के मैं आई हूँ और मैंने चेंज कर लिया है, थोड़ा मेरा ये कलर में मत जाना है, थोड़ा नियॉन चमक रहा है। और यहाँ देखो हमारी प्यारी मम्मी नए फोन का ब्लॉग देख रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है बड़े बड़े स्क्रीन में, जैसे लग रहा है मैंने टीवी में देखा ये। तो गाइज अभी मैं मम्मी को थोड़ा सा फोन चलाना सिखा रही हूँ। तो मम्मी को सर्च करना नहीं आ रहा था तो मैंने उनको वॉइस वाला सिखाया है, क्योंकि वो जो दूसरा फोन था उसमें वॉइस नहीं जाता था। तो अभी इसमें दिखाती हूँ मैं। अलीशा थापा, ये क्या बात है। तो गाइज आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। और आज मतलब बहुत खुशी हुई मम्मी को गिफ्ट देके, और मम्मी भी बहुत खुश है। सो गाइज ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दो। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।